जबलपुर में पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश से शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शनिवार की रात से ही हो रही बारिश से जिले के नदी नाले उफान पर आ गए हैं। रविवार को छुट्टी होने की वजह से शहर के लोग अपने अपने घरों में दुबके रहे। 15 अगस्त को बरगी बांध के गेट खुलने के बाद से नर्मदा का जल स्तर काफी बढ़ गया है। नर्मदा के सभी घाट, मंदिर और दुकानें पानी में डूब गई है। विश्व प्रसिद्ध भेड़ा घाट का धुआंधार जलप्रपात भी पानी में समा गया है। जबलपुर शहर में तेज बारिश के चलते निचले हिस्सों में जल प्लावन की स्थिति बन गई है। मदद महल स्टेशन के पास का ब्रिज बारिश के चलते डूब गया है। शहर के बीच में स्थित हनुमानताल तालाब पहली बार ओवरफ्लो होकर शहर के निचले हिस्सों में भर रहा है। जिला प्रशासन जल प्लावन की स्थिति से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी खुद मौके पर जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। भारी बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टर ने 22 अगस्त को शासकीय और अशासकीय स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। जबलपुर में मानसून सीजन की अब तक 40 इंच के लगभग बारिश हो चुकी है। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।